दो कलोनाइजर का आपस के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो जरा मुंडा हरसिमरन सिंह कोहली है मेरा भतीजा वो उन्होंने जिन्होंने गोलियां चलाइया ने उन्होंने खिलाफ गवाह वा गैंग्स थे जिनका कि कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उनमें से एक जितेंद्र पैटी पे आज अटैक हुआ है। चार पांच लड़कों ने आके उसकी मारपीट शुरू करी। उसके पास लाइसेंस्ड वेपन था, उसने अपने बचाव में भी फायर किया और कुछ उन पे एम करके फायर किया ऐसा लगा। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। 75वें आजादी दिहाड़े की तैयारियों के जिथे सीएम मान लुधियाना दे विच राज पदरी समागम च भाग लैन पहुँचे हुए हैं, उत्थे 14 अगस्त देर शाम डुगरी इलाके दे विच गोलियां चलन की घटना वापरती है। दसिया जा रहा है कि दो प्रॉपर्टी डीलर आपसी विवाद नू लैके प्रॉपर्टी दे विवाद नू लैके आमनो सामने हो गए, जिस दे विच उन्होंने लसंसी हथियार दे थ्रू गोलियां चलाईयां। वारदात दे विच दो लोगों के जख्मी होने की गल दसी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा मौके पर पहुँचे तो उन्होंने सारी जांच की। इस मौके दे विच जिथे पुलिस कमिश्नर ने इस प्रॉपर्टी के विवाद दे लेके झगड़ा दसया गया, उत्थे ही घायल दे चाचे वल्लों भी विरोधियों ते काफ़ी आरोप लगाए गए। आओ तुसी भी देखो मौके दीयां तस्वीरां। दूजे पासे लोकां च इस चर्चा फैल गई कि आम आदमी पार्टी दे कार्यकाल दे विच लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लोकां दे विच भय दा माहौल है, आए दिन गोलियां चलियां अते होर तरह दी अपराधिक घटनावां आम गल हो के रह गईयां हन। इस करके लोग पंजाब दे लोग लगातार खास करके लुधियाना शहर दे लोग लगातार दहशत दे विच अपना जीवन बतीत कर रहे ने। आओ तुसी भी देखो मौके दीयां तस्वीरां। दो राइवल गैंग्स थे जिनका कि कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उनमें से एक जितेंद्र पैटी पे आज अटैक हुआ है। चार पांच लड़कों ने आके उसकी मारपीट शुरू करी। उसके पास लाइसेंस्ड वेपन था, उसने अपने बचाव में भी फायर किया और कुछ उन पे एम करके फायर किया ऐसा लगता है। दो लोग इसमें इंजर हो गए। वेपन और जो दोनों पार्टीज हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है, उन लोगों को राउंड अप कर लिया जा रहा है और जो वेपन है वो भी बरामद हो गया और जो भी बनती कार्रवाई है उस पर केस रजिस्टर करके इनको अरेस्ट किया जाएगा और आगे जो भी होगा हमारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिन्होंने हमला किया था उनसे पहले भी कोई मुकदमे जाते हैं? इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं पता है, अभी तो इंसिडेंट जो है प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन यही हुई है, पर दो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। राउंड फायर कितने कितने गए? मुझे जो पता चला है कि उसमें से जो एक लड़का है उसने दो तीन फायर्स किए हैं और उसके बाद में दो लोगों को इंजर हुए। सर इसके पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है जी? इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, अभी है जी। सर पंजाब के मुख्यमंत्री भी लुधियाने देखो ये चीज़ जो है राइवलरी है, झगड़ा जो हो गया मौके के ऊपर हुआ है। लाइसेंस वेपन था लड़के के पास, कोई भी इलीगल वेपन नहीं था, उस पर अटैक हुआ उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड किया। कितना जाना था, कितना गोली चलाई सर? नहीं एक ही बंदा था जिसके ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, बाकी बंदिया ने अटैक किया सी होते थे जिसके बाद उसने अपने लाइसेंस वेपन से रिस्पॉन्ड किया। वो अपने घर से बाहर खड़ा थी कि जगह नहीं, ये दोनों ही बाहर तो आए सी और इन्हां दे कोई खरड़ दे विच प्लॉट या कोई जमीन जायदाद को लेकर के कुछ आपस में झगड़ा चल रहा है। कुछ सीसीटीवी वगैरह भी आई है? हम लोग चेक कर रहे हैं सारा, हमने ले लिया है फुटेज, उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम सारा। नहीं मतलब रास्ते से रोक के किया गया था? नहीं वो कहीं से आया था मार्केट से, यहीं सामने एरिया के अंदर अपनी कार में जब बैठने लगा तो उसकी उसके ऊपर उस समय दूसरे लड़कों ने आकर के और झगड़ा शुरू किया, उसकी मारपीट करी। लुधियाना की कौन सी जगह है डुगरी का फेस टू अर्बन स्टेट? कितने के बजे की घटना था? अभी से करीब एक दो घंटे। सर की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम हरपाल सिंह कोहली। सर कि जगह वारदात हुई की गलबात हुई? अर्बन स्टेट फेस वन डुगरी के वारदात हुई है। हाँ दो कलोनाइजर का आपस के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। अच्छा जी। तो जरा मुंडा हरसिमरन सिंह कोहली है मेरा भतीजा,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਵਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੜਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ VIP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ VIP 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ VIP 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।